स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आज भी आपको फिर से मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन देखिए पिछली रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एसजेएसएफटी थोड़ा सा सुस्ती भरा कारोबार कर रहा है। चाइना का बाजार को आपको अब देखने की जरूरत नहीं है, आप से लेकर शुक्रवार तक इसको छोड़ दीजिए, बंद रहेगा ये। लेकिन आप देखिए यूएस में क्या हुआ कल, डॉलर जो मजबूत हुआ उससे यूएस में गिरावट देखने को मिली है। ईसीबी की तरफ से थोड़े से संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। चर्चा ये चल रही है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अब क्यूई को खत्म करने की दिशा में काम कर सकता है, और ये वो खबरें हैं जिसका असर फिर देखना होगा आज यूरोप के मार्केट पर सेकंड हाफ में कैसा पड़ता है। लेकिन मेज सेक्टर्स को लगता है कि हैट्रिक होगी, दो दिन से लगातार हम हरे निशान के साथ बंद हो रहे हैं और तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। मेटल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है, मैंने तो 10 के 10 बल्लेबाज चुने। आपके सेक्टर्स क्या कहते हैं? देखिए ध्यान तो तेजी पे ही रहेगा और जो अपनी स्ट्रेटजी की खबरों पे फोकस करेगी वही आज भी रहेगी। तो खबरों से शुरुआत करते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस पहला स्टॉक होगा और यहां पे खरीदारी करके चलिए। साउथ अफ्रीका में इनकी न्यू टेल करके एक सब्सिडी थी जिसको ये बेचना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ हर्डल्स थे वहां के, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था तरक्की से, इस वजह से रुक गया था। लेकिन अब कल देर शाम की खबर आई कि सीसीआई जो साउथ अफ्रीका का है उसने मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए क्योंकि इससे एग्जिट होना चाहता था। सेक्टर्स को लगता है टाटा कम्युनिकेशन में आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। घरेलू फ्रंट पे जिसके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं वो अलग है, लेकिन आज इस खबर को चलेगा तो 595 का लक्ष्य देखते हुए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करें। सेक्टर रोटेशन होगा मार्केट में और आप देखिए अब जो सेक्टर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है टेलीकॉम सेक्टर। अब तक हमारे सेक्टर्स कहते थे इसको बेचकर चलिए, लेकिन अब यहां पर आज ट्रेडिंग के लिहाज से आप भारती आइडिया दोनों में लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं, फायदा हो सकता है इससे। आप क्योंकि देखिए बहुत गिर चुके हैं, कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज इसके ऊपर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, एक बात तो ये रही। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो इवेंट था जिसके चलते सब लोग नेगेटिव हुए थे वो था ऑक्शन का इवेंट, और आप देखिए ऑक्शन में कुछ खास बढ़ चढ़कर बोलियां लगी नहीं है। चर्चा तो ये भी चल रही है आज या कल दो दिन के भीतर भीतर हो सकता है ऑक्शन समाप्त भी हो जाए, तो ये कंपनियां शॉपिंग दिल खोल के नहीं कर रही है ये कहना चाहिए स्पेक्ट्रम का। तो यहां पर मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। 85 का टारगेट आइडिया के लिए मैं सेलेक्टर्स आज के दिन दे रहे हैं। 100 रुपए के ऊपर चला करता था, देखिए किस तरह से पिटाई ये स्टॉक रेल जियो के लॉन्च के बाद, और भारतीय एयरटेल पर भी अब एक ट्रेडिंग बाउंस बनता है। 335 का टारगेट यहां पर निकल कर आ रहा है मेरे सेलेक्टर्स की तरफ से। नीरज आपका अगला शेयर कौन सा? टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा और यहां पर खरीदारी करिए। कल इसमें जो है इनसिंक कैपिटल ने 56 रुपए के आसपास के प्राइस पे करीब 4,25,000 शेयर खरीदे। इनसिंक कैपिटल आपको मालूम है कि ये जो है राकेश झुंझुनवाला, सुनथालिया, उनकी वाइफ की एक पार्टनरशिप कंपनी है। पिछले हफ्ते ही जब एडलैप्स में खरीदारी हुई तो एडलैप्स ने लगातार दो सर्किट लगाए थे, हमें उम्मीद है कि आज टूरिज्म फाइनेंस में भी ऐसा होगा। और हेमंत आपको याद होगा ये खबर तो कल आई है, पिछले हफ्ते हमने टूरिज्म फाइनेंस अपनी टीम में शामिल किया था और हमने तब भी कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है टूरिज्म को लेकर के, इसलिए स्टॉक को रडार पर रखिए। तो देखिए ट्रिगर इसीलिए हम कैप्टन स्ट्रेस जो है ना वो डिपेंडेबल फ्री बिल्कुल बहुत सारी खबरें, जैसे मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन लगातार बता रहा हूं कि वो खबर आएगी, मैटर ऑफ टाइम है, इसलिए रडार पर रखिए, आप मिस मत करिए। टूरिज्म फाइनेंस में अच्छी तेजी आज बनेगी, 72 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 60 के आसपास स्टॉक लॉस। चलिए तो अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है स्टॉक 2020 के कप्तानों की टीम में रहने के लिए जाना गया है, और अब आप देखिए राकेश झुंझुनवाला यहां पर खरीदारी कर रहे हैं साफ तौर पर, इस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन अब मेरा जो सेक्टर्स का मूड है नीरज वो तो फेस्टिवल सीजन की तरफ है, ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि सोने की कीमतें घटें और वो लाइन लगा के ज्वेलरी खरीदें। देखिए पैसा तो लोगों के हाथ में आया है, 7th पे कमीशन का, ओआरओपी का, और आप बता रहे थे रेलवे वाला पैसा भी अब आने वाला है, आ चुका है। अच्छा वो भी आ गया, वो बोनस भी आ गया, तो फिर तो लोगों को देखिए कुछ तो ज्वेलरी में इंटरेस्ट होगा फेस्टिवल सीजन। अच्छा अगले हफ्ते दशहरा है, उसके बाद दिवाली है इस महीने के आखिरी में, तो ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है चाहे आगे पीछे कैसा भी रहा हो, लेकिन ये महीना इन कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहता है। अच्छा टीडीएस जो आईडीएस वाला जो स्कीम था वो भी देखिए कंपनियों ने काफी डिक्लेरेशन किया है ज्वेलरी कंपनियों ने, और अब वो हैंगओवर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और बजट में बड़ा पैकेज आएगा ज्वेलरी सेक्टर के लिए, ये मेरे सेलेक्टर्स मुझे बता रहे हैं। तो तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। टीबीडी अच्छी कंपनी है, 72 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 68 का स्टॉक भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अगला स्टॉक एडलैप्स होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें भी इनसिंक कैपिटल ने पिछले हफ्ते खरीदारी की थी और इस वजह से इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। और आप ध्यान रखिए कि अक्टूबर महीने में हेमंत 14 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, अगर आप वीकेंड मिला लें तो जो इमेजिका है
उसमें लोग ज्यादा जाएंगे और निश्चित तौर पर इस स्टॉक को भी डेफिनेटली फायदा होगा। 110 का लक्ष्य लेते हुए अगले हफ्ते खरीदारी करें, 97 का स्टॉप लॉस। ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, अगले हफ्ते भी दो दिन देखिए भारतीय, एक दिन की छुट्टी लीजिए, 5 दिन की छुट्टी। हाँ, तो इसलिए हमने बहुत सारे होटल वगैरह भी टीम में शामिल कर, एग्जैक्टली, तो उस पर तो नजर होगी। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज अगर एक कोई सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है तो मेटल सेक्टर है। और आप देखिए कल भी हमारी टीम में 2 मेटल कंपनियां थी और आज फिर से 3 मेटल कंपनियों को उतार रहे, क्योंकि खबर आ चुकी है कल जिस तरह से आखिरी तारीख थी एमआईपी की, देखिए कल देर शाम सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, 2 महीने के लिए एमआईपी यानी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है, उसकी जो म्याद बढ़ी है ये काफी राहत की बात है। इसलिए मोनेट इस्पात पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आप देखिए दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज की नजर इसी इवेंट के ऊपर लगी हुई थी, डटी हुई थी कि क्या होता है। और कल सीएलएसए ने जिस तरह से बड़े अपग्रेड दिए थे टाटा स्टील के लिए, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भीतर यही लिखा था कि ये जो सरकार के कदम है इससे काफी फायदा हो रहा है। तो आज ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। पिटी हुई कंपनियां मोनेट इस्पात, वीजा स्टील, ये अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं। आपने कौन सी मेटल कंपनी चुनी है, आगे टीम में होगी आई एम श्योर? हाँ बिल्कुल, अगर कहीं तो मैं अभी बता दूं। नहीं, आप आराम से बताइए। तो मेरा फेवरेट सेक्टर जो ऑयल है उसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है जिसको मैं ट्रैक करता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सेक्टर के लिए आपको बताना जरूरी। बीपीसीएल शॉर्ट करके चलिए, क्योंकि जो क्रूड में लगातार तेजी देखने के लिए ब्रेंट $51 को भी पार कर गया, उससे जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें सीरियस इंपैक्ट आया, 6 हफ्ते के लोज पे पहुंच गए। तो जो तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोर्स करेक्शन की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसलिए बीपीसीएल शॉर्ट करिए। 615 का लक्ष्य होगा, 641 का स्टॉप लॉस होगा। और अगला स्टॉक भी बता दूं हेमंत, जो आप पूछ रहे थे, कल्याणी स्टील्स। ओके, जो खबर कल देर शाम नोटिफिकेशन जारी हुआ कि एमआईपी सरकार ने 2 महीने के लिए 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, इससे करीब 61 कंपनियां जो है, 61 तरीके की जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसको इनका फायदा होगा। तो ये स्टॉक चूंकि ऐसी खबरों में बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो इसलिए मैं लगता है 352-54 तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 333 पे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अब तक जो हमने शेयर बताए उसमें 3 हो गए मेटल कंपनियां, उत्तम गैलवा जो मैंने बताई, भूषण स्टील और कल्याणी स्टील, तो ये वो स्टील कंपनियां जिस पर आपकी आज नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि हम दोनों की टीम्स में आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर कौन सा है। नीरज बताइए। देखिए फर्टिलाइजर पे हमारा फोकस बना हुआ और खबरें इसके लिए भी आने वाली, आरसीएफ मेरा स्टॉक होगा। प्री बजट रैली बिल्कुल शुरू होने वाली, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये एक और सेक्टर जिसको सरकार रिवाइवल करना चाहती है। दूसरा है कि मॉनसून के बाद अब सेकेंड लेग में जबरदस्त यूरिया और तमाम जो केमिकल्स है उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो इन स्टॉक्स पे आप रडार पे रखिए, इस पे नजर रखिए। तो आरसीएफ सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे काफी फायदेमंद होगा। दूसरा एक बड़ी खबर इन लोगों के लिए जो पिछले हफ्ते आई थी, गैस की कीमतें कम कर दी गई हैं $2.5, चूंकि इनके लिए वो एक रॉ मटेरियल होता है, तो उसका भी फायदा इसको मिलेगा। साथ ही आरसीएफ को जिम्मेदारी दी गई है 2-3 बंद पड़े यूरिया प्रोडक्ट फर्टिलाइजर प्लांट्स को रिवाइवर करने के लिए, वो भी इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। तो ये एक सेक्टर मैं आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूं कि आपको रडार पे रखना चाहिए, फर्टिलाइजर सेक्टर, यहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि एग्री बेस्ड जो कंपनीज हैं केमिकल की हो या फर्टिलाइजर की हो, उनमें जो है रिवाइवल होना चाहिए, उनको बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य है उनका सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का, कि आमदनी किसानों की दुगनी करनी है, तो ऐसे ही होगी। तो सेक्टर सत्तर सौ रुपए की 52 का लक्ष्य होगा, 45 के आसपास स्टॉक यूरिया डी कंट्रोल आ जाए ना नीरज, तो ये शेयर यहां से डबल तो आराम से हो जाए। बिल्कुल, यू नेवर नो, सरकार जिस तरह से रिफॉर्म्स पर काम कर रही है, इस बजट में ही ये होता हुआ नजर आया। चलिए तो आरसीएफ पर तो रखिए नजर, लेकिन मेरे सेक्टर्स की नजर आपको पता है एक शेयर पर है पिछले कई दिनों से, वो है डिशमैन फार्मा, और किस तरह से बेहतरीन रिटर्न इसने पिछले हफ्ते भी कमा कर दिए और ये हफ्ता भी देखिए अच्छा रहा है अब तक का। डिशमैन फार्मा आज भी अच्छी तेजी दिखा सकता है, डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि पहले भी कई बार टीम में शामिल रह चुका है, और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि कोई बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जरूर होने वाला है इस शेयर पर, तो यहां पर रखिएगा नजर। 265 का टारगेट आज ही के लिए, 249 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी के बचे हुए 4-4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और हम ये भी बताने वाले हैं कि फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर आज का कौन सा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और इससे पहले मैं आपको बताएं कि सातवां शेयर मेरा कौन सा होगा, वो है जागरण प्रकाशन। और इसमें एक अच्छी खबर ये है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से
इनके जो रेडियो कारोबार है उसको डीमर्ज करने की मंजूरी मिल गई है, तो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में इसको शामिल किया जाएगा। तो अटकलें ये भी हो सकती है कि इसमें या तो स्टेक सेल करेंगे या हो सकता है इसको अलग से लिस्ट्री करें। तो तमाम सारी खबरें हैं। वैल्यू अनलॉकिंग की एक केस यहां बनता है, 210 का लक्ष्य 191 का स्टॉक लॉस। ये लगातार जहां पर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, वो शेयर देखे भाग रहे हैं, तो आज इसका नंबर हो सकता है। ये मार्केट क्लैरिटी चाहता है, आप एक बिजनेस करिए उसमें मुझे क्लैरिटी है। आप तरह तरह के बिजनेस करेंगे तो उसमें समझ में नहीं आता कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। इस पर तो रखिए नजर, लेकिन मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि नजर रखनी चाहिए आज आपको मेटल कंपनियों के ऊपर और पिटी हुई मेटल कंपनियों पर। तो एक और सबसे कमजोर मेटल कंपनी वीजा स्टील को भी आज टीम में शामिल कर लिया है। मॉन्ट इस्पात को तो पहले टीम में शामिल किया ही था, उत्तम गैल्वा को भी किया था, और कल भी देखिए दो मेटल कंपनियां थी हमारी टीम में। और हमारे सेलेक्टर्स को लगता था कि ये दरअसल जो सरकार है वो ये कदम उठाएगी इन कंपनियों को सेफगार्ड करने के लिए, और दो महीने के लिए एमआईपी की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है। तो यहां पर भी तेजी आज देखने को मिल सकती है। नीरज आपका अगला शेयर श्री रेणुका शुगर होगा, और इनके लिए एक अच्छी खबर है कि महाराष्ट्र में जो क्रशिंग सीजन है वो 1 नवंबर की बजाय 1 दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि बारिश अभी भी रुक नहीं रही है तो क्रशिंग डिले हो रही है। दूसरा ये है कि जो गन्ने की बुआई का एरिया था वो घट गया है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इसकी वजह से इनको इन्वेंट्री गेन होगा, साथ ही प्राइसेस और फर्म अप होंगी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। तो यहां पे खरीदारी बनती है, 1750 का लक्ष्य 1525 में यहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। कहा जीबी के, इस पर रखिए नजर। हम कह रहे थे ना कि एक होटल कंपनी है हमारी टीम में, आप कह रहे थे कि लोग इमेजिका जाएंगे, छुट्टियों का फायदा उठाएंगे। हमारे सेलेक्टर्स को, हमें लगता है कि लोग होटल्स में भी आप देखिए ज्यादा जाएंगे, और वैसे भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सभी जानते हैं ये जो बेस्ट टाइम होता है होटल कंपनियों के लिए। और ताज जो जीबी के कंपनी है, इंडियन होटल्स यानी ताज ग्रुप की होटल्स, टाटा की जो होटल कंपनी है वो और जीवीके का एक ज्वाइंट वेंचर है। और जनरली यहां पर कई बार खबरें अटकलें लगी रहती हैं कि आगे चलकर हो सकता है इन होटल्स में इसका विलय हो जाए। हालांकि कंपनी ने पिछली बार इस खबर का खंडन किया था, लेकिन शेयर में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। अभी भी यहां पर रैली बन सकती है। 134 के टारगेट आज ही के लिए मैं सेलेक्टर दे रहे हैं, 124 का स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। जब वक्त हो गया ये जानने का कि आज का प्री हिट शेयर कौन सा है, तो बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है। बाइक हॉस्पिटैलिटी, ये भी एक होटल कंपनी है, और जैसा कि हमने बताया कि अक्टूबर महीने में 14 छुट्टियां पड़ रही हैं, अगर आप वीकेंड मिला लें और अच्छी अच्छी लंबी लंबी छुट्टियां हैं, तो इन एंड अराउंड के होटल के बिजनेसेस को फायदा होगा। मुंबई में माथेरान में इनकी प्रॉपर्टी है, गोवा में इनकी प्रॉपर्टी है, शिमला में इनकी प्रॉपर्टी है, तो सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स को काफी फायदा होगा। वैसे भी होटल सेक्टर में लगता है कि आज छुट्टियों भी चलती है, फेस्टिवल सीजन और हॉलीडे प्लानिंग के चलते अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इनका बिजनेस मॉडल भी जो है एसेट लाइट वाला है, अपनी प्रॉपर्टीज के अलावा ये रूम जो है बल्क बाय करके फिर उसको सबलेट करते हैं, वो भी एक बढ़िया मॉडल है जिसमें अपने ऊपर कॉस्ट का उतना प्रेशर नहीं होता, केवल मार्जिन यानी ब्रोकिंग पे आपको बिजनेस करना होता। तो ये एक बड़ी ट्रिगर इनके लिए जिसकी वजह से कंपनी लगातार इम्प्रूव कर रही है, और इसका नतीजा ये है कि केयर रेटिंग ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड करके BBB से A- कर दिया है, जो एक अच्छी खबर। आपको ध्यान होगा पिछले कई दिनों से आप देखिए बहुत सारे रेटिंग अपग्रेड्स आ रहे हैं तमाम कंपनियों के, उनमें अच्छी तेजी देखने को मिली। कल भी हमने अपनी टीम में दो स्टॉक शामिल किए थे जहां पे रेटिंग अपग्रेड थी, तो बाइक के लिए और ये पॉजिटिव खबर। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी 70 शहरों में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी के जरिए, कुछ रूम्स के जरिए, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए होगा। बाइक हॉस्पिटैलिटी आज खरीदारी करके चले, 174 का लक्ष्य होगा, 157 का स्टॉक लॉस। मेरे सेलेक्टर्स की नजर अनंत राज इंडस्ट्रीज के ऊपर है, और आप देखिए आपने कहा कि इनसिंक एक कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रही है टूरिज्म फाइनेंस में, और आपको बता दूं अनंत राज में बिग बुल राकेश झुंझुनवाला की करीब करीब 3.22% हिस्सेदारी है। तो आज राकेश झुंझुनवाला वाले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब करीब 63% के आसपास की है। दिल्ली NCR में बड़ा लैंड बैंक है इस कंपनी के पास, करीब करीब 1100 एकड़ का, जिसको ये डेवलप कर रही है। और कल आपने देखा क्या हुआ, डॉक्टर उर्जित पटेल की पॉलिसी आई, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, ICICI बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट का रेट कट पास ऑन भी कर दिया, और उम्मीद यही कि आज PSU बैंक की तरफ से अच्छी खबरें देखने को मिलें। देखिए अगर रेट कट हो चुका है, अब पास ऑन होगा ये बैंक्स के जरिए, तो लोग प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, फ्लैट्स खरीदेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो जो कंपनियां जा चुकी हैं और आगे जाने वाली हैं उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। और अनंत राज अफोर्डेबल हाउसिंग के स्पेस में भी एंटर कर चुकी है। सेबी ने इनके लिए 2-3 हफ्ते पहले जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें नियम
नियमों को ढील दी थी और जिस तरह से रीट्स की लिस्टिंग के नियम अब एशिया में सबसे आसान हो गए हैं, अब आप देखेंगे एक के बाद एक कंपनियां रीट्स की लिस्टिंग कराएंगी और उनके पास पैसा भी आएगा। बहरहाल ये सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कल भी डीएलएफ पर में सेक्टर्स बुलिश थे, आज अनंत राज इंडस्ट्रीज पर बुलिश है। फ्रीट का दर्जा दिया है, 67 का टारगेट आज ही के लिए, 57 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। लेकिन अब बारी है आखिरी शेयर की हम दोनों के टीम में जो कमाल दिखा सकता है और 2020 में आखिरी प्लेयर पिंच हिटर कहलाता है, तो नीरज बताइए कौन सा है आज का पिंच हिटर? पिंच हिटर होगा जैकॉप और इसमें दो ट्रिगर जिसकी वजह से हमने चुना है इसको। 12 अक्टूबर के आसपास जो है नवी मुंबई की फाइनेंशियल बिड्स ओपन होने की बात हो रही है, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बनेगा। दूसरा एक ट्रांस हार्बर लिंक के लिए भी फाइनेंशियल बिड इन्विटेशन उसी हफ्ते में होगा, तो सेक्टर्स को लगता है ये दोनों ट्रिगर इस स्टॉक के लिए जबरदस्त पॉजिटिव हो। रीजन ये है कि उस इलाके में इनके पास ह्यूज लैंड बैंक है जो बिल्कुल नवी मुंबई एयरपोर्ट की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, तो माना जा रहा है कि तमाम सारे डेवलपमेंट वहां पे इसकी वजह से होंगे और प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। ऑलरेडी वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बिग बेनिफिशियरी होगा जैकॉप। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इन दोनों खबरों के चलते जो स्टॉक के बहुत दिनों से ये उम्मीद लोग कर इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे तेजी है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। सेलेक्टर्स को लगता है इसकी वजह से स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। साथ ही तमाम सारे रियल एस्टेट रेट कट हुआ है, मिड कैप में एक रैली चल रही है, ये सारे फैक्टर्स भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैकॉप में खरीदारी करिए, 80 का लक्ष्य होगा 70 का स्टॉप लॉस। आर्ची ये होगा पिंच हिटर स्टॉक। देखिए वैसे प्रदर्शन इस शेयर का काफी कमजोर रहा और आज शुरुआत भी हमने कमजोर शेयरों से ही करी है। शुरुआत हमने की थी आज टेलीकॉम कंपनियों से, वहां पर उछाल देखने को मिल सकता है और आप देखिए अंत टीम का कर रहे हैं आर्चीज के साथ। दरअसल ये जो महीना है, तीन महीने आखिरी के, ये काफी अच्छे होते हैं, गिफ्टिंग सीजन माना जाता है ये, और हम जनरली देखते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स की डिमांड तो अब कम हो चुकी है, लेकिन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये कंपनियों को फायदा होगा और ये फ्लेवर है इस समय का, क्योंकि तो इसलिए आर्चीज को आज टीम में शामिल किया गया है। 26.75 का टारगेट आज ही के लिए, 25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का कैप्टन्स चॉइस कौन सा। स्वागत है आपका एक बार फिर से, पूरी टीम मेरी सामने है आपके, हेमंत। इसमें एक सेल साइड का स्टॉक है, बाकी खरीदारी वाले। कौन कोई स्टॉक पसंद है आपको? बहुत सारे शेयर पसंद। देखिए फ्री हिट, डिपेंडेबल और पिंच हिटर में से हम हमेशा कैप्टन चॉइस देते आ रहे हैं, आज थोड़ा सा उस धरे को चेंज करते हैं। टूरिज्म फाइनेंस दरअसल आज अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है, ये नो ब्रेनर है, इसलिए इसको कैप्टन चॉइस का दर्जा आज देना चाहेंगे। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी आज के दिन, और पहले भी आपकी टीम में रहकर ये कमाल तो कर ही चुका है। 72 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो बहुत ही आसानी से अचीव हो सकते हैं। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए कि एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। मुझे ज्वेलरी शेयर टीवीजेड पसंद है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें थोड़ी कम हुई और फेस्टिव सीजन चल रहा, तो सेल्स और बॉक्सिंग दिखी, इसलिए सेक्टर को लगता है कि ये एक अच्छा स्टॉक, आप नहीं लेते तो मेरी टीम में होता। 72 का लक्ष्य जो आपने दिया आसानी से अचीव होगा। पूरी टीम में नजर डालते हैं जल्दी से। यहां पर हमने बताया कि आपको बीपीसीएल एक हमारा शॉर्ट प्लेयर, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन क्रूड में तेजी की वजह से इंपैक्ट होंगे, तो वो एक नेगेटिव है। टाटा कम्युनिकेशन नियोटेल को अप्रूवल है, टूरिज्म फाइनेंस में इनसिंक ने खरीदा है, एड लैब्स में भी इनसिंक ने खरीदा है। कल्याणी स्टील के लिए पॉजिटिव, क्योंकि एमआईपी दो महीने के लिए बढ़ा दी गई है। जागरण प्रकाशन को हाईकोर्ट की मंजूरी मिल गई है रेडियो बिजनेस डिमर्ज करने के लिए। वहीं श्री रेणुका के लिए, क्योंकि चीनी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्रशिंग डिले हो रही है। बाइक हॉस्पिटैलिटी छुट्टियां बहुत है इस हफ्ते में, महीने में, वहां पे एक तेजी देखने के लिए। जैकॉप दोनों ही जो ट्रांस हार्बर लिंक और नवी मुंबई एयरपोर्ट है, दोनों के लिए 15 अक्टूबर के आसपास की दोनों बिड्स हो जाएंगी, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और साथ ही आरसीएफ पर नजर रखिए, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए बड़ी खबरें आने वाली हैं सरकार की तरफ से। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत सेलेक्टर्स ने करी है आइडिया और भारती से, काफी दबाव देखा जा चुका है। अब समय से अनुमान से पहले जो स्पेक्ट्रम की बोलियां लगाई जा रही थी वो खत्म होती हुई दिख रही हैं, तो ऑक्शन जब खत्म होगा तो यहां पर एक रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। त्योहारी सीजन का फायदा टीबीजी को मिलेगा और एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है वो है मेटल पैक। कल भी दो कंपनियों को टीम में शामिल किया था और आज भी देखिए मर्ट इस्पात, उत्तम गैलवा को टीम में शामिल किया है। वीजा स्टील जैसी कंपनियों के लिए भी रिलीफ की बात इसलिए है क्योंकि एमआईपी की जो मियाद है वो दो महीने के लिए बढ़ा दी गई है। डिपेंडेबल का दर्जा डिशमैन को दिया है और फ्री हिट का दर्जा अनंत राज इंडस्ट्रीज को दिया है। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। छुट्टियों के सीजन शुरू होने वाला है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ताज जीवी के जैसी और होटल कंपनियों के लिए अच्छा माना जाता है, तो यहां पर मैं सेलेक्टर्स की नजर है। पिंच हिटर के तौर पर आज आरचीज को टीम में शामिल किया है। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होगी।